सवाल ये है और कॉन्शियसली सोचिए इस बारे में कि जब जब आप रात भर एक इवेंट रीप्ले कर रहे हैं अपने दिमाग में, पिछली बार कब वो इवेंट एक पॉजिटिव, एक हैप्पी इवेंट था? हेलो, नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। क्या आप कभी कभी अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स, कुछ एक्सपीरियंसेस रीप्ले करते हैं यहाँ पर अपने दिमाग में? ज़रूर करते होंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है और कॉन्शियसली सोचिए इस बारे में कि जब जब आप रात भर एक इवेंट रीप्ले कर रहे हैं अपने दिमाग में, पिछली बार कब वो इवेंट एक पॉजिटिव, एक हैप्पी इवेंट था? नहीं याद आ रहा ना? हम अक्सर अपनी पावर ऑफ थिंकिंग, रीथिंकिंग एंड रीप्लेइंग इवेंट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं टू रीप्ले नेगेटिव इवेंट्स, पेनफुल एक्सपीरियंसेस। जब भी हम किसी पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं, चिंतन करते हैं, इस आशा से, इस होप से कि हम समझ पाएंगे कि क्या गलत हुआ था और हमारा स्ट्रेस, हमारा दर्द, हमारा डर कम होगा, हम मूव ऑन कर पाएंगे। लेकिन हम फंस जाते हैं रूमिनेशन, ब्रूडिंग, ओवर थिंकिंग की विशियस साइकिल में। हम अपने दिमाग में बार बार वो इवेंट रीप्ले करते हैं, बार बार उन्हीं इमोशंस से, उन्हीं फीलिंग्स से गुजरते हैं, उसी डर को, उसी दर्द को बार बार महसूस करते हैं। हम एक ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जैसे एंडलेसली हम दौड़ रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसीलिए गाय विंच ने रूमिनेशन को पिकिंग एट इमोशनल स्कैब्स कहा है। बार बार कुरेदने के कारण वो इमोशनल वूंड्स भरते तो नहीं हैं, बल्कि उनमें नए इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चिंतन और मनन, रूमिनेशन हमेशा ही नेगेटिव होता है। ज़्यादातर हमें पर्सपेक्टिव मिलता है और हम अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को ओवरकम कर लेते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन फिर भी टू कीप अ चेक, खुद के रूमिनेशन के एक्सपीरियंसेस को इन पैरामीटर्स पे चेक कीजिए। नंबर वन, क्या आपकी परेशानी, आपकी समस्या, आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस रूमिनेशन के बाद हर बार और बड़ा हो जाता है, बड़ा लगने लगता है? गिव इट अ थॉट। क्वेश्चन नंबर टू, पैरामीटर नंबर टू, क्या हर बार रूमिनेशन के बाद आपका गुस्सा और बढ़ जाता है उस कल्प्रिट की तरफ? पैरामीटर नंबर थ्री, क्या आपकी कॉग्निटिव स्किल्स घट रही हैं? जिस बारे में आप रूमिनेट कर रहे हैं उस बारे में डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट लग रही है, डीले होती जा रही है? एंड पैरामीटर नंबर फोर, क्या आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप स्ट्रेंड हो रही है? हम अक्सर भूल जाते हैं हमारे वो दोस्त, हमारे वो गो टू पर्सन जिनसे हम अपनी परेशानियों के बारे में बार बार वही डिस्कशन करते हैं, वो दोस्त थक जाते हैं। वैसे तो किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद, इवेंट के बाद रूमिनेट करना बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल रिएक्शन है। हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम पर्सपेक्टिव लेते हैं। लेकिन इस बारे में कॉन्शियस रहिए कि समय के साथ साथ इस रूमिनेशन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों कम हो रही हैं या नहीं। अगर ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है तो अपने इमोशनल फर्स्ट एड का पिटारा खोलिए। फर्स्ट एड करने के लिए सबसे पहले अपने एक्शंस और रिएक्शंस की तरफ कॉन्शियस रहिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना ज़रूरी है। जब भी आप विशियस साइकिल में फंस रहे हैं उस समय कॉन्शियसली खुद को डिस्ट्रैक्ट करें, रोकें और अब करें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट नंबर वन, अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव बदलिए। जो फिल्म आप अपनी नज़र से देख रहे हैं उसे थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखिए। लेकिन कैसे? ओके, ये करने के लिए आराम से बैठ जाइए या फिर लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए। अब उस एक्सपीरियंसेस के शुरुआती सीन को याद कीजिए और अब खुद को उस सीन से जूम आउट कीजिए।
और पूरी सिचुएशन को एक स्ट्रेंजर की नज़र से देखिए, जैसे कि आप वहाँ से गुजर रहे थे और ये घटना आपके सामने घट रही थी। जब जब आप रूमिनेट करें, खुद को रोककर कॉन्शियसली यही पर्सपेक्टिव मेंटेन कीजिए। ऐसा करने से रूमिनेशन के बाद का डिप्रेशन और गुस्सा कम होगा, और जब आपको लगे कि अब रूमिनेशन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तब करें ट्रीटमेंट नंबर टू। वो देखो चींटी मर गई। जी हाँ, खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। इसके लिए जब भी आपके मन में वो थॉट आए, खुद को कॉन्शियसली किसी और काम में एंगेज कीजिए। मे बी वॉच अ मूवी, प्ले स्क्रैबल। इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करने से पहले एक लिस्ट बनाइए उन जगहों की, उन सिचुएशंस की जहां आप रूमिनेट करते हैं, और फिर इस लिस्ट में उस जगह और सिचुएशन के हिसाब से दो दो चार चार डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजीज लिखिए। फॉर एग्जांपल, जिस सिचुएशन में आपके पास टाइम कम है या फिर फिजिकल मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, स्ट्रैटेजी हो सकती है प्लेइंग सम गेम इन योर मोबाइल, एनी गेम यू लाइक, अपने किसी फ्रेंड से बात करना, और वहीं पे जहां आपके पास टाइम की या मूवमेंट की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप फिल्म देख सकते हैं, आप एक एक्सटेंसिव वर्कआउट सेशन ले सकते हैं। इस लिस्ट को हमेशा अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए, और जब भी आप खुद को रूमिनेट करता हुआ पाएं, कॉन्शियसली इस लिस्ट को रेफर कीजिए और अपने ट्रीटमेंट का डोज लीजिए। ट्रीटमेंट नंबर थ्री, अपनी नाराज़गी को रीफ्रेम कीजिए। जिसके भी प्रति आपकी नाराज़गी है, पूरी फिल्म को, पूरे सिचुएशन को, पूरे इंसिडेंट को उसके पर्सपेक्टिव से देखिए। ये ट्रीटमेंट अप्लाई करने के लिए उनके पॉजिटिव इंटेंशंस को देखने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपके बॉस ने आपको मीटिंग में टोक दिया, आपको लगा आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, उनका इंटेंशन समझने की कोशिश कीजिए, लार्जर गोल देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा ज़रूर कुछ होगा जो आपको तब समझ नहीं आया होगा, लेकिन ठंडे दिमाग से कॉन्शियसली ढूंढने से ज़रूर दिखेगा। कहते हैं कि जो होता है वो भले के लिए होता है, तो वो रे ऑफ होप देखने की कोशिश कीजिए। शायद धुंधला दिख रहा है, लेकिन उसको भी देखने की, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। रात गई, बात गई, आपके सोचने से पास्ट के इवेंट्स में कुछ बदलेगा तो है नहीं, इसलिए आगे बढ़िए और उस इवेंट से सीख लीजिए। आपने कहाँ और क्या गलती की ये समझिए, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ समझिए। पहचानिए कि आप किस पे विश्वास कर सकते हैं और किस पे नहीं। और लास्ट में, जिससे भी आप नाराज़ हैं, जिसे भी आप कल्प्रिट समझते हैं, उसे माफ़ कीजिए। समझिए कि उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प या साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। प्रे कीजिए भगवान से उन्हें सद्बुद्धि दे। ट्रीटमेंट नंबर फोर, अपने दोस्तों पर दया कीजिए। जब आप अपनी वही पुरानी प्रॉब्लम बार बार उसी गो टू पर्सन के पास लेकर जाते हैं, शायद वो कोई दोस्त हो, वो कोई रिलेटिव हो, तो वो भी थक जाते हैं, उनका पेशेंस, उनका कंपैशन खत्म होने लगता है, और हम अपने ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को रिस्क पे डाल देते हैं। अपने इस प्रेशियस रिलेशनशिप को बचाने के लिए चेक कीजिए, कहीं आप उनको ओवरबर्डन तो नहीं कर रहे। ये चेक करने के लिए खुद से सवाल पूछिए। सवाल नंबर वन, जिस परेशानी को आप डिस्कस कर रहे हैं वो कितनी पुरानी है? कोई भी परेशानी 6 महीना या साल भर पुरानी है, लेकिन फिर भी वो आपके डिस्कशन का हिस्सा है, तो डिस्कस करने से पहले दो बार सोचिए, गिव इट अ सेकेंड थॉट। दूसरा क्वेश्चन पूछिए खुद से कि आप इस सेम इवेंट को कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। हर किसी की लाइफ में कोई गो टू पर्सन होता ही है, जिससे हम अपनी सभी परेशानियाँ डिस्कस करते हैं, लेकिन इसी कारण वो दोस्त थक जाता है। चेक कीजिए, रिविजिट कीजिए, और यदि आप इस दोस्त को अपनी परेशानी बार बार सुना चुके हैं, तो उन्हें बख्शिए। तीसरा क्वेश्चन पूछिए, क्या ये फ्रेंड, ये गो टू पर्सन, ये भी अपनी खुद की परेशानियाँ और समस्याएँ आपसे डिस्कस करता है? आपकी बातचीत कहीं अक्सर वन साइडेड तो नहीं होती, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याएँ और उसके सजेशंस और सल्यूशन। अगर ऐसा है तो आप अपनी खुद की दोस्ती को खतरे में डाल रहे हैं। बैलेंस बनाइए, अपने दोस्त से भी पूछिए और सुनिए उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं,
क्या इश्यूज हैं। और आखिरी सवाल, आपके कॉन्वर्सेशन का कितना टाइम प्रॉब्लम की डिस्कशन में जाता है? टेक एक्स्ट्रा केयर टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस कि बातचीत में हल्के फुल्के मोमेंट्स भी हों, मस्ती मजाक भी हो और सीरियस कॉन्वर्सेशंस भी। अपने इस फ्रेंड या रिलेटिव के साथ अपने रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करते रहिए और जब भी ज़रूरत हो करेक्टिव मेजर्स लीजिए। आपने ये सब ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर लिए हों फिर भी आपको लगता है कि आपकी रूमिनेट करने की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है, आपके नेगेटिव इमोशंस आपके डेली रूटीन में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपके ईटिंग पैटर्न्स आपके स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं फॉर वर्स, और आप कंसिस्टेंटली लो, हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपर्ट्स की सलाह लें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस बारे में कोई भी सवाल हो, आपके कुछ फीडबैक्स हों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन। Get empowered. Stay happy.